थोड़ा आपका स्वागत है एन के रैपसन चैनल पर। कॉमर्स मॉडल क्वेश्चन संत जेवियर कॉलेज रांची 11th एडमिशन के लिए लेके आ चुका हूँ। और पहला सवाल है, स्टेट ऑफ झारखंड फाउंडेशन डे कौन सा है? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का फाउंडेशन हुआ था। बेटला नेशनल पार्क की रिजर्व फॉर, बेटला नेशनल पार्क किसके लिए रिजर्व है? टाइगर हो जाएगा। हु डिस्कवर लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने डिस्कवर किया था? सर आइजक न्यूटन ने। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया क्या है? तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गंगा है। पास्कल इज यूनिट ऑफ, पास्कल किसका यूनिट है? तो ये प्रेशर का यूनिट है। मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? एडा लवलेस को कहा जाता है। एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट वन, एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को। HIV स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस। हु वाज गिवन द स्लोगन डू और डाई, किसने कहा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। हु डिस्कवर प्लांट इज ए लिविंग थिंग, किसने कहा कि प्लांट जो है सजीव है? तो ये जेसी बोस ने कहा था। अब यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन शुरू होता है। आई गॉट योर पार्सल वन ट्यूडे, योर व्यूज डजंट अकॉर्ड विथ माइन, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज पेपर, तो ऑफ हो जाएगा। आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर, इट हैज बीन सोल्ड टू ए टिम्बर टाइकून, तो डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे। Why did you break your promise? डीड यहाँ पर हम टिक मारेंगे। Hardly had he left when his brother came. 10 years has passed since my grandmother died. तो since हो जाएगा। Gambling has ruined my करियर, मैनी करियर, बहुत सारा करियर को बर्बाद कर दिया है गैमलिंग ने, हैस हो जाएगा। द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर एंड विथ द स्वॉर्ड, तो यहाँ पर दो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे बहुत ऑप्शन में दिया रहेगा। फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग फोर सन्स, ठीक, बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। हु आर द जंकर्स, यहाँ पर आपका सोशल साइंस का सेक्शन शुरू होता है। जंकर्स कौन थे? तो जंकर्स जो है लार्ज लैंड ओनर थे, जमींदार लोग थे। हु फाउंडेड द होवा होवा मूवमेंट, किसने फाउंड किया था? ह्यूंग फू सो ने फाउंड किया था। हिंद स्वराज वाज रिटेन बाय, हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने लिखा था। Why was सत्याग्रह ऑर्गेनाइज इन चंपारण इन 1960? चंपारण में सत्याग्रह क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? तो यहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, बी नंबर हो जाएगा। द ग्रुप ऑफ पावर कलेक्टिवली नोन एज द एक्सिस पावर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो एक्सिस पावर में कौन कौन से पार्टिसिपेट थे? जर्मनी, इटली और जापान। Why were the European attracted to Africa? European जो है अफ्रीका की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे? क्योंकि वहाँ पर जो है लैंड रिसोर्स था, मिनरल भी बहुत ज़्यादा था, इसीलिए सी नंबर। Who adapted the concept of an assembly line to produce automobile? इसमें से किसने ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन जो है शुरू किया था और उसका असेंबली लाइन बनाया था? हेनरी फोर्ड ने, जिन्होंने सबसे पहला कार बनाया था। नेम द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कंट्री इन द वर्ल्ड, कौन सा कंट्री है जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया था? तो जापान है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक, इसमें से कौन सा बुक जो है ओल्डेस्ट जापानीज बुक है? तो डायमंड सूत्रा जो है सबसे पुराना बुक है। सॉइल इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से सॉइल का फॉर्मेशन होता है? वेदरिंग प्रोसेस से।
द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, तो पहला जो है अर्थ समिट कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। व्हाट वॉज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट का क्या मकसद था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का था, पेड़ को काटने से बचाना था। द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड, वो जो खत्म होने वाले हैं, विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं, वैसे स्पीसीज को एंडेंजर स्पीसीज कहते हैं। वन विच रिवर इज द भाखरा नंगल डैम लोकेटेड, तो किस नदी पर है ये डैम, ये सतलुज डैम पर लोकेटेड है। भूदान गर्मदान मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय, जमीन देने का जो आग्रह किसने किया था सबसे, तो विनोबा भावे जी ने जमीन देने का जो है आग्रह किया था कि सभी लोग जमीन दें ताकि एडुकेशनल इंस्टीट्यूट को ओपन किया जाए। विच इज द फाइनेस्ट क्वालिटी आयरन और इन द टर्म ऑफ आयरन कंटेंट, इसमें से कौन सा जो है क्वालिटी आयरन और है, तो मैग्नाइट हो जाएगा जिसमें फाइनेस्ट आयरन पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन, इसमें से कौन है जो इन्फ्लुएंस नहीं करता है कि इंडस्ट्रियल लोकेशन कहाँ हो, कहाँ पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, तो सभी लोग इन्फ्लुएंस करेंगे यहाँ पर एक्सेप्ट अंडरग्राउंड रेलवे लाइन, यही अंडरग्राउंड जो है सो अंडरग्राउंड नहीं रहेगा तो ये भी इन्फ्लुएंस करेगा। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन इज नॉन एज, जिसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं, हर आदमी का कितना इनकम हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, अभी जो करेंट वर्ल्ड है उसमें कौन सा फॉर्म ऑफ करेंसी चलता है, तो पेपर नोट चलता है, आप देखे होंगे आपके पास भी पेपर नोट ही होंगे। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक इशू करेंसी नोट ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जगह पर कौन जो है पैसा इशू करता है इंडिया में, तो RBI करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर मैथमेटिकल सवाल आपका शुरू हो गया है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने या बताने लायक नहीं है, आप सिंपली डाटा देख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सिस पॉइंट का बात किया गया है, ये तो आप देख करके ही बना सकते हैं, इसमें ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है और आपको एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी आपको निकालना है, डिग्री निकालना है, द एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, रेडियस इज, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, यहाँ पर एरिया आपको दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल सॉलिड निकालना है, ठीक है, यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है आपको, मोड का क्या मतलब होता है, और यहाँ पर मोड का एक फॉर्मूला कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, और इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।